संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करने वाली लक्ष्मी जी निकली। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुनदर्शजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मी जात वेदो मावा। संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करने वाली जब लक्ष्मी समुद्र से निकली तो आपाधापी मच गई और उन्होंने कहा नहीं ये बटेंगी नहीं, ये हमारी हैं, हमारी हैं, नहीं ये हमारी हैं। देवताओं ने कहा ये तो हमारी हैं, दैत्यों ने कहा नहीं तुम्हारी नहीं हमारी हैं। माता ने कहा झगड़ा बंद करो, मुझ पे छोड़ो, मैं किसकी बनूंगी। तो सबने कहा हां मां आप जिसकी बने पर हैं आप हमारी। दैत्यों को फटकार लगाई, आपकी नहीं बनूंगी, आप कष्ट देते हो, अहंकारियां, नहीं बनूंगी आपकी। देवताओं को फटकार लगाई, पुण्य से प्राप्त होती हूं क्या मैं? पुण्य से ही तो आप देवता बनते हैं, तो क्या मैं पुण्य से प्राप्त होने वाली वस्तु हूं? आपकी नहीं बनूंगी। ब्रह्मा ने कहा मेरी बन जा मां, नहीं तेरी भी नहीं, तेरी सृष्टि में द्वैत है, कोई छोटा है बड़ा है, एकता नहीं साम्यता नहीं। महादेव बड़े प्रसन्न हुए कि अब कोई नहीं बचा, हम ही रहते हैं। तो महादेव ने कहा मां मैं तेरा पूजन अर्चन वंदन करूंगा, मैं और पार्वती रोज तुझे प्रणाम करेंगे, ऊंचे से आसन पर बिठाएंगे, आप हमारी बन जाइए, हमारे संग चलो। महादेव को प्रणाम करते हुए लक्ष्मी ने कहा नहीं महादेव, अरे शंकर तेरी नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी। तो शंकर भगवान ने कहा हम में क्या खोट है, हम में क्या दोष है, आप दोष के कारण दूसरों से मुक्त हो रही हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही लक्ष्मी जी ने, कहा कि आप में दोष तो कुछ नहीं पर आप आशुतोष हैं, उदार हैं, कोई दैत्य आपको प्रसन्न कर लेगा तो वरदान में मुझे दे देंगे आप उसे, हम नहीं बनेंगे, आपको आता ही नहीं। कैसे बांटा जाए लक्ष्मी को? अरे बहुत प्रसन्न हो गए साधु महात्मा और वो तो नाचने लगे ऋषि मुनि, और उन्होंने कहा तो सीधा सीधा बंटवारा हो गया भाई, ये किसी के हिस्से में तो जाएंगी और अब तो हम बचे हैं खाली। तो सब साधु ने कहा मां चलो हमारे मंदिरों में, आश्रमों में, डेरों में, हमारे संग चलिए। तो मां ने फटकार लगाई साधुओं को, अरे तुम्हारी भी नहीं बनूंगी। अब साधु बड़े बेचारे भयभीत हो गए कि मां हमसे क्यों रूठ गई। तो उन्होंने कहा मां हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, अब हमसे क्यों रूठी हैं? तो उन्होंने कहा आपसे मैं रूठी नहीं हूं पर तुम्हारी नहीं बनूंगी, आपकी नहीं बनूंगी। क्यों? तो मां ने कहा आपको कभी कभी तपस्या का अहंकार हो जाता है कि हमने बड़ी तपस्या की है, हम श्रेष्ठ हैं और ये गृहस्थ है, हम साधु हैं। तो कभी कभी ये जो भान ज्ञान रहता है आपको अपनी पूज्यता का, ये अहंकार जिसको रहता है कि मैं महान हूं, मैं नहीं रहूंगी। तो फिर साधुओं ने ही पूछा कि मां ये बता तू फिर किसकी होके रहेगी? तो उन्होंने कहा जिसे एक तो क्रोध नहीं आता, जो लोभी नहीं है, जो अहंकार शून्य है और जो सबकी चिंता करता है, ऐसे नारायण की मैं बनूंगी, मैं नारायण की बनूंगी। अमानी मानदो मान्य भृगु ने जब त्रिदेव परीक्षा में विष्णु के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया तो भृगु के चरणों को चूमते हुए नारायण ने कहा था हे देव ये वज्र जैसा वक्षस्थल मेरा और कोमल चरण आपके, चोट तो नहीं लगी? और वो पैर चूमने लगे। ये नारायण ऐसा है जो भृगु के चरणों का चुंबन लेता है ये कहकर, चूम लूं मैं आपके पैर, चोट तो नहीं लगी ना, इतना निराभिमानी, अहम शून्य अमाने मानदो मान्य, मैं नारायण की बनूंगी। अब नारायण ने तो मना कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम निरपेक्ष हैं, तटस्थ हैं, आपकाम पूर्णकाम निष्काम, हमें क्या चाहिए, हम तो नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप कुछ तो चाहिए। उन्होंने कहा आप एक शर्त पर हमारी बन सकती हैं। बोली शर्त क्या है? बोले जब ऐसा लगे कोई मेरा भक्त अकाम है, पवित्र है, सुचि संपन्न है, त
तब आप उसकी बन जाना, मेरे भक्त की बन जाना। तो लक्ष्मी जी ने हां कह दी, जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, मैं उनकी बन जाऊंगी, जो मुझे मेरा अपव्यय नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, जो मेरी मान मर्यादा का ध्यान रखेंगे, मैं उसकी बन जाऊंगी। भगवान ने कहा एक शर्त और है। वो क्या है? बोले अवतार काल में अगर हमारे होंगी संतानें फिर तो ठीक है, अन्यथा मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं तपस्या करूंगा। नारायण ने कहा मैं तप करूंगा, मैं प्राय ध्यान में रहूंगा। तो फिर हम क्या करेंगी? उन्होंने कहा भक्तों की रक्षा करना, क्षीर सागर में मेरे संग रह सकती है मेरी स्वरूपा, अथवा भक्तों के कल्याण के लिए रहना। तो जो अपनी संपदा दूसरों को बांट दे, ऐसो को दार जगमाई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उदाई। ये तो भगवान में ही सामर्थ्य है नारायण में, कि जब वो राम बने, कृष्ण बने, नरसिंह बने, वामन बने, तो दूसरों के हित के लिए ऐसा ही वो लक्ष्मी का विनियोग करते हैं।